हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत करता हूं आपका इस टेक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे आईपी एड्रेस के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर क्या होता है आईपी एड्रेस, कैसे करता है ये काम, और अगर आपका आईपी एड्रेस किसी गलत हाथ में पड़ गया तो क्या वो आपके एक्टिविटीज को ट्रेस कर पाएगा, और क्या वो आपके लोकेशन को सिर्फ एक आईपी एड्रेस से ट्रैक कर पाएगा, जानेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब आईपी एड्रेस को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे आपके ग्रुप में आपको किसी को बुलाना है तो सबका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसके थ्रू आप उसको बुलाते हैं। उसी तरह हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस को यूज करने के लिए, यूज करते हुए सारे कंप्यूटर्स, सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट पे जाना है, तो वेबसाइट पे जाने के लिए आप एड्रेस बार में उसका नाम लिखते हैं, लेकिन हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप उस आईपी एड्रेस को जानते हैं तो आप सीधे उस आईपी एड्रेस को लिख के वहां जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में काफी सारे वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, और हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस है। तो एक ह्यूमन के लिए इतने सारे आईपी एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए जो सिस्टम सामने आता है उसे कहते हैं हम डीएनएस। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। अब बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है, मान लीजिए आप गूगल क्रोम पे गए और वहां आप डाले google.com। अब इस google.com का अपना एक आईपी एड्रेस है, तो ये google.com का जो क्वेरी है सबसे पहले आपका डोमेन नेम सिस्टम में जाता है। डोमेन नेम सिस्टम में सारे एड्रेसेस का एक डेटाबेस होता है जिसमें डोमेन नेम के साथ, मतलब गूगल के साथ उसका आईपी एड्रेस लिखा होगा, याहू के साथ उसका आईपी एड्रेस, या फिर जितने भी साइट्स हैं उसका, उसके सामने आईपी एड्रेस लिखा होगा। तो जब आपने google.com डाला तो वो google.com डीएनएस में जाएगा, और तो डीएनएस उस आईपी एड्रेस को और सर्वर के आईपी एड्रेस को मैच करा के आपके सामने गूगल का वेब पेज लॉन्च कर देगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई रॉ आईपी एड्रेस है तो आप उस आईपी एड्रेस से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस है तो आप उससे कोई खास डेटा नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते जब तक कि आपके पास कोई एक्सटर्नल टूल ना हो, एक्सटर्नल कोई सॉफ्टवेयर ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो स्पेसिफिक कंपनीज को दिया जाता है और वो कंपनी अपने क्लाइंट्स को वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। अब जैसे एक फोन नंबर है, फोन नंबर के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं कि वो फोन नंबर किस रीजन का है, क्योंकि एक फोन नंबर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग चीज को सिग्निफाई करते हैं, अलग अलग डेटा को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस में ऐसा नहीं है। जब तक आप आईपी एड्रेस को तभी बता पाएंगे अगर आपको पता है कि इस कंपनी, ये कंपनी ये आईपी एड्रेस अपने क्लाइंट्स को दे रही है, तो ही पॉसिबल है कि आप उस रीजन का पता लगा पाए। तो इतने सारे कंपनीज है और सारे कंपनीज का अलग आईपी एड्रेस होता है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करें अगर आईपी लुकअप टूल, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप आईपी एड्रेस से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं क्या डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आईपी लुकअप टूल बेसिकली आपको ये बता सकता है कि ये आईपी एड्रेस किस आईएसपी का है, यानी किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। तो अगर आपको पता चल गया कि ये आईपी एड्रेस किस आईएसपी का है तो आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस किस रीजन में होगा। फिर भी आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो आईपी एड्रेस किसके नाम पे है, उसका घर कहाँ है या उसका स्ट्रीट कहाँ है। इतना ज्यादा डिटेल आप आईपी लुकअप टूल से भी नहीं लगा पाएंगे। अब आईपी एड्रेसेस के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं। पहला होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस यानी जब भी आपका सिस्टम, आपका राउटर रीबूट होगा या रीस्टार्ट होगा, आपका आईपी एड्रेस हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जहां बात करें डायनेमिक आईपी एड्रेस की, यहां ऐसा नहीं होता। अगर आपका राउटर रीसेट हो रहा है, आपका राउटर रीस्टार्ट हो रहा है, तो आपका आईपी एड्रेस हर एक रीस्टार्ट के बाद वो चेंज होता रहेगा। अब बात करें डायनेमिक आईपी एड्रेस की, तो ये आपके नेटवर्क को काफी सिक्योर बना देता है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस हमेशा चेंज हो रहा है तो किसी भी उस एड्रेस को हैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डायनेमिक आईपी एड्रेस को अपने घर पे यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि आपको बार बार अपने आईपी एड्रेस को चेंज
होता रहेगा तो आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो आप अपने घर पे डायनेमिक आईपी एड्रेस का यूज नहीं कर सकते। अब अगर आईपी एड्रेसेस के थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते तो पुलिस कैसे आपको ट्रैक कर पाती है आपके आईपी एड्रेस के थ्रू? बेसिकली होता क्या है कि जिस आईपी एड्रेस से इलीगल एक्शन हो रहा होता पुलिस उस आईपी एड्रेस के आईएसपी को कॉन्टैक्ट करती है। अब आईएसपी के पास आपकी सारी डिटेल्स आईएसपी के पास होती है, आप कहाँ रहते हैं, आपका हाउस कहाँ है, आपके पास कितने कनेक्शन है, सारी की सारी डिटेल उस आईएसपी के पास होती है। तो पुलिस आईएसपी के पास जाती है और आईएसपी के थ्रू आपके सारी डिटेल्स ले सकती है और जिसके बाद आपको काफी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो बेसिकली आईएसपी के पास सारी डिटेल्स होती हैं लेकिन आईएसपी शेयर नहीं करती। अब अगर पुलिस के पास इनफ एविडेंस है तो आईएसपी लीगली आपके इंफॉर्मेशन को पुलिस के साथ शेयर कर सकती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका आईपी एड्रेस हिडन रहे तो आप ऐसे में वीपीएन का यूज कर सकते हैं। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन क्या करता है कि आप अपने डेटा को डालें, उस डेटा को इनक्रिप्ट करके आईएसपी को नहीं बल्कि वीपीएन सर्वर को भेजा जाता है और फिर वो वीपीएन सर्वर उस वेबसाइट को अपना डेटा भेजता है जो आप खोलना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आईएसपी के पास कोई भी आपका डेटा नहीं पहुंच पाता कि आप किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये थी आईपी एड्रेस की कुछ बेसिक बातें। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आईपी एड्रेस काम कैसे करता है और आपकी सबसे बड़ी मिथ दूर हो गई होगी कि क्या आपके आईपी एड्रेस को आपको लोकेट किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो किस कंडीशन में किया जा सकता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपडेटेड रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।